Good morning, class 3rd class. This is your English language book, and today we'll start chapter 9, the elephant and the pots. Class, this is a comprehension chapter in which firstly you will read a story and then solve some question, just like English literature. Okay, so this is a story. This is a story about the elephant and the pots. Okay, from here the story started. Once there lived a potter named Velan in a village called Pulipur. Okay, एक टाइम की बात है, एक पॉटर था. पॉटर मीन्स हु मेड पॉट्स, जो भी बर्तन बनाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड पॉटर, हुज नेम वॉज वेलन. ठीक, और वो कहाँ रहता था? एक गांव में रहता था. किस गांव में? गांव का नाम क्या था? पुलियुर. ओके, द विलेज नेम इज पुलियुर. ओके, ही वॉज मेकिंग अरेंजमेंट फॉर हिज सन्स वेडिंग. ओके, ही वॉज मेकिंग अरेंजमेंट, अरेंजमेंट तैयारी कर रहा था. किस चीज की? अपने लड़के की शादी की. ही प्लान टू हैव अ ग्रैंड प्रोसेशन ऑन द नाइट ऑफ द वेडिंग. प्रोसेशन मीन्स अ लाइन ऑफ पीपुल दैट मूव्स अलोंग स्लोली. जैसे बाराती आते हैं ना, सो दैट इज कॉल्ड प्रोसेशन. किसी की भी शादी होती है तो बाराती लोग आते हैं ना, अच्छे से दावत के लिए. तो ही प्लान टू हैव अ ग्रैंड प्रोसेशन ऑन द नाइट ऑफ द वेडिंग. वो प्लानिंग कर रहा था, कौन? जो ये पॉटर है वेलन, वो प्लानिंग कर रहा था कि जिस दिन उसके लड़के की शादी होगी तो खूब अच्छे से ग्रैंड प्रोसेशन, एकदम जो बाराती होंगे एकदम अच्छे से ठाट से लेकर के उन लोग को जाएंगे. ही विश टू टेक हिज सन एंड द ब्राइड ऑन एन एलिफेंट्स बैक राउंड द विलेज इन अ प्रोसेशन. एंड नाउ ऑल्सो ही विश दैट ऑन द वेडिंग नाइट ही टुक his son and the wife of his son on an elephant's back. Okay, वो क्या सोच रहा था कि जिस समय शादी के टाइम जब ये लोग होता है घर आते हैं तो अपने जो दुल्हा दुल्हन है ना दोनों, उसके लड़का उसकी वाइफ दोनों को हाथी के ऊपर बैठा करके तब घर लाएंगे. ओके, पूरे गांव से घुमाते हुए तब बारात आएगी. देयर वॉज अ मनी लेंडर. मनी लेंडर मीन्स who give money on debt. Okay, जो मन पैसा उधार देते हैं ना वो लोग. तो देयर वॉज अ मनी लैंडर हु लिव इन द विलेज. हिज नेम वॉज मानिकचंद. वॉट इज नेम? मानिकचंद. क्लियर? ही हैड एन एलिफेंट. विलन वेंट टू हिम एंड सेड, सर मे आई बोरो योर एलिफेंट फॉर माई सन्स वेडिंग प्रोसेशन. ठीक, अब उस पूरे गांव में एक मानिकचंद नाम का पर्सन था जिसके पास एलिफेंट था. ठीक, तो विलन उसके पास जाता है, कहता है क्या मैं आपका जो एलिफेंट है अपने लड़के की शादी के लिए उसको बोरो कर सकता हूँ, उसको उधार ले सकता हूँ. द मनी लैंडर एग्रीड टू लेंड हिम हिज एलिफेंट. लेंड मीन्स उधार देना. ओके, तो जो मनी लैंडर था मानिकचंद वो रेडी हो गया, ठीक है ले जाओ भाई मेरा एलिफेंट. On the day of the wedding, the bride and the bridegroom went riding on the elephant. ठीक, अब जिस दिन शादी का दिन था तो दोनों दुल्हा दुल्हन, ब्राइड मिस दुल्हन और ब्राइडग्रूम मिस दुल्हा, ठीक, दोनों के दोनों उस एलिफेंट पे सवार हो गए और जो उन लोग की बारात थी चलने लगी. All the guests walked behind slowly, listening to the sweet music. ठीक, और जितने बाराती थे सब पीछे पीछे धीमे धीमे चल रहे थे और म्यूजिक अपना सुनते हुए. ओके, जैसे बारात में होता ना, सेम टू सेम. व्हाट अ ग्रैंड प्रोसेशन इट वाज, हाउ हैप्पी एवरीवन वाज. ठीक, अब सोच लो हाथी की सवारी हो रही है, हाथी पे बारात आ रही है, दुल्हा दुल्हन हाथी पे आ रहे हैं, तो ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? सबको लगेगा, कितना ग्रैंड, राजा महाराजा वाली फीलिंग आएगी ना. तो बस सब यहाँ पे भी वही फीलिंग हो रही है, यहाँ पे सब कुछ अच्छे से चल रहा है. After the procession, when Velan was taking the elephant back to Manikchand's house, the elephant suddenly fell down and died. Now, here something happened which was not correct. After the procession, जब सब वो बारात शादी वाला सब हो गया ना सब काम, तो वेलन ने क्या किया? ठीक है, अब चलो एलिफेंट को मानिकचंद को लौटा देते हैं. लेकिन रास्ते में क्या हुआ? जो एलिफेंट था वो अचानक से गिर गया, सडनली में अचानक से, एडवांस.
द एलिफेंट वॉज सडनली फेल डाउन एंड डाइड. वो अचानक से गिर जाता है एलिफेंट और उसके डेथ भी हो जाती है. विलन वॉज शॉक्ड एंड वेरी सैड. आफ्टर दिस विलन वॉज शॉक्ड टोटली सरप्राइज एंड ऑल्सो वेरी सैड. एकदम चौक जाता है और सरप्राइज होता है सैड हो जाता है. देन ही रश्ड टू मानिकचंद एंड रिपोर्टेड दिस. रश्ड मीन्स टू रन. ओके, दौड़ते हुए भागते हुए मानिकचंद के पास जाता है और ये सारी इंफॉर्मेशन उसको देता है. कौन? विलन मानिकचंद को. अबाउट द एलिफेंट डेथ. सर आई एम वेरी सॉरी योर एलिफेंट डाइड ऑल ऑफ अ सडन. आई गिव यू द प्राइज ऑफ द एलिफेंट और आई गेट यू अनदर एलिफेंट. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. ठीक, अब ये सब होता है तो वो जाता है मानिकचंद के पास, कहता है, सारी इंफॉर्मेशन देता है कि ऐसे ऐसे तुम्हारा जो एलिफेंट है उसकी डेथ हो गई है अचानक से, तो अगर आप कहो तो मैं उसके जो पैसा जितना भी होता है मैं उसको दे देता हूँ, और पैसा नहीं तो उसके बदले में दूसरा एलिफेंट आपको ला के देता हूँ, और इन सारी चीज़ों के लिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ. नेक्स्ट, मानिकचंद वॉज वेरी सैड बट ही डिड नॉट एग्री टू टेक द मनी फ्रॉम विलन. ही वॉन्टेड ओनली हिज ओन एलिफेंट एंड नॉट एनी अदर. Now here what happened? Manikchand was very sad to listen of his elephant death. But he did not agree to take the money from villain. He didn't want money and not elephant also. Na to usko money chahiye tha, na hi usko dusra koi elephant chahiye tha. Usko uska khud ka, own means apna khud ka elephant usko chahiye tha. Villain begged him but Manikchand was stubborn. स्टबन में एकदम अड़ा हुआ कि हमको है ना एकदम जिद कर देना कि हमको वही वाला चाहिए दूसरा कुछ नहीं. तो विलन उससे काफ़ी विनती करता है, ठीक, कि जो पैसा लेना हो तो ले लो, दूसरा एलिफेंट लेना हो तो ले लो, जो डेथ हो गया मैं वहाँ उसको कैसे ले करके आऊँगा. लेकिन मानिकचंद अपने जिद पर अड़ा हुआ था. गिव मी बैक माई एलिफेंट और आई विल टेक यू टू कोर्ट सेड ही. आफ्टर दिस मानिकचंद सेड दैट गिव मी बैक माई एलिफेंट, या तो मेरा एलिफेंट मुझको लौटा दो, अदरवाइज आई विल टेक यू टू कोर्ट, नहीं तो मैं तुमको कोर्ट लेके जाऊंगा. देन मानिकचंद कंप्लेन टू द जज दैट विलन डिड नॉट रिटर्न हिज एलिफेंट. ओके, विलन एक्सप्लेन टू द जज, योर ऑनर इट इज ट्रू आई बोरोड हिज एलिफेंट एंड टुक इट इन द प्रोसेशन बट इट डाइड सडनली. I did not kill it. I am very sorry. I am ready to pay the price. Please, your honor, make him agree to this. Okay, अब इसके बाद क्या होता है? मानिकचंद कंप्लेन करता है जज से कि जो विलन है वो मेरा एलिफेंट नहीं लौट आ रहा है. ठीक, विलन सारी बातों को जज को समझाता है कि जज साहब ये ठीक है जो कह रहा है सच है, मैंने इसका एलिफेंट अपने लड़के की शादी के लिए बोरो किया था, लेकिन अचानक से क्या हुआ उसकी डेथ हो गई, मैंने उसको मारा नहीं है, ठीक, मैं इसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ, और मैं क्या उसका उसके बदले में जो उसका उसका प्राइस है जो भी पैसा उसको लगेगा मैं देने के लिए रेडी हूँ. ओके, प्लीज़ योर ऑनर मेक हिम एग्री टू दिस. प्लीज़ योर ऑनर आप इसको इस बात के लिए एग्री करवा लीजिए. ठीक, मैं जिस जो हाथी डेथ हो गया मैं उसको कहाँ से ला के दे सकता हूँ, उसके बदले में जो पैसा चाहिए मैं दे सकता हूँ, मैं देने को रेडी हूँ. द जज सेड टू मानिकचंद योर एलिफेंट डाइड सडनली, यू मस्ट एक्सेप्ट मनी और अनदर एलिफेंट इन इट्स प्लेस. नाउ आफ्टर दिस जज सेड टू मानिकचंद दैट योर एलिफेंट डाइड सडनली, कि जो तुम्हारा एलिफेंट है वो अचानक से उसकी मृत्यु हो गई है, या तो तुम पैसा ले लो या तो दूसरा एलिफेंट ले लो उसकी जगह पे. But Manikchand would not listen to the judge. He said, Your Honor, he borrowed the elephant from me. He must return only that elephant. The judge asked them to come the next morning. Okay, लेकिन जो मानिकचंद था वो अपने जिद पे अड़ा हुआ था, उसने जज से भी बोल दिया कि नहीं जैसा इसने वेलन ने एलिफेंट मुझसे बोरो किया था, उधार लिया था, अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो मुझे मेरा एलिफेंट लौटाए. अब कहाँ से लाएगा ये हम नहीं जानते, मुझको मेरा एलिफेंट चाहिए. ठीक, वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था. ठीक, अब जज क्या कहते हैं कि ठीक है
अब नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह तुम लोग आना। देन ही कॉल्ड वेनन एंड सेड, डोंट कम टू कोर्ट इन द मॉर्निंग, स्टे इन योर हाउस, कीप योर पॉट्स नियर द डोर एंड क्लोज इट। आफ्टर दिस जज सेड टू वेलन दैट डोंट कम टू कोर्ट इन द मॉर्निंग। जज ने वेलन से क्या कहा कि कल सुबह जब बोला था ना यहाँ पे कि दोनों लोग सुबह आना, उसके बाद वेलन को जज ने बुलाया और कहा कि कल सुबह तुम कोर्ट में नहीं आओगे, ओके, डोंट कम, और स्टे इन योर हाउस, अपने घर में ही रहोगे, और कीप योर पॉट्स एंड नियर द डोर एंड क्लोज इट, और जितने भी तुम्हारे बर्तन हैं, ठीक ना, कीप योर पॉट्स नियर द डोर, तुम्हारे जितने भी बर्तन हैं उन सारे बर्तनों को अपने डोर के पास रख दोगे, ओके, और डोर बंद कर दोगे। आई विल आस्क मानिकचंद टू कम टू योर हाउस टू कॉल यू, ओके, और मैं मानिकचंद से बोलूंगा कि वो तुम्हारे घर जाए, तुमको बुला के ले आए। He will open the door in a hurry and all the pots will be broken. वो तुम्हारे घर पहुंचेगा और जल्दी जल्दी में तुम्हारा जब डोर खोलेगा तो सारे जो पॉट्स तुमने दरवाजे के पास रखे ना, डोर के पास, वो सारे के सारे टूट जाएंगे। Then shout and call the neighbors. और जब सारे वो बर्तन टूट जाएंगे तो तुम चिल्लाते हुए सारे पड़ोसियों को बुला लेना। Tell them your pots were broken by Manikchand. And tell everybody that the pots were broken by Manikchand. और सबसे कहना कि सारे बर्तन को तोड़ने वाला कौन है? Manikchand है. He will offer you money for the pots. Don't accept it. Come and report it to me. Okay? सबसे जो तुम कहोगे कि Manikchand ने सारे बर्तनों को तोड़ा है, तो Manikchand तुमको पैसे भी ऑफर करेगा, लेकिन पैसे तुम नहीं लोगे और तुम मेरे पास आके इसका रिपोर्ट करोगे, ओके? वेलन डिड एज द जज टोल्ड हिम, और वेलन ने एकदम सेम टू सेम वैसा ही कहा जैसा कि जज ने बोला था। मानिकचंद ब्रोक वेलन्स पॉट्स बाय एंटरिंग हिज हाउस। वेलन हाउल्ड, ओ माय पॉट्स, माय प्रीसियस पॉट्स, माय फोर फादर्स पॉट्स, ऑल ब्रोकन बाय दिस मैन। और जैसे ही वो एंट्री करता है मानिकचंद के घर में, सारे बर्तन टूट जाते हैं और वेलन जो है चिल्लाते, हॉल में दम चिल्लाना दहाड़ना कस के चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे सारे अच्छे अच्छे बर्तनों को, जो मेरे फोर फादर्स में दादा परदादा के बर्तनों को, इस पर्सन ने, इस मैन ने तोड़ दिया। मानिकचंद सेड, आई विल गिव यू मनी और आई विल बाय योर न्यू पॉट्स, ओके। मानिकचंद ऑफर करता है कि ठीक है, या तो पैसे ले लो नहीं तो मैं तुमको उसके बदले में नए बर्तन खरीद के दे देता हूँ। बट वेलन सेड, नो नो, आई वॉन्ट ओनली माई पॉट्स, दे आर माई फैमिली प्रॉपर्टी, कम आई विल टेक यू टू कोर्ट। अब वेलन भी वैसे ही कहता जैसे जज ने बोला था कि कहीं नहीं, मुझे ना तो पैसे चाहिए ना तो नए बर्तन चाहिए, मुझको वही मेरे जो बर्तन तुमने तोड़े हैं मुझको वही बर्तन चाहिए, ये मेरे फैमिली की प्रॉपर्टी है और मैं तुमको कोर्ट लेकर के जाऊंगा, ओके, कम आई विल टेक यू टू कोर्ट। The judge listened to Velan's case. He turned to Manikchand and said, "What do you say now? You must return the same pots to Velan." Manikchand realized his mistake. अब जब ये लोग कोर्ट में पहुंचते हैं तो जज ने सारी बात सुनी और फिर मानिकचंद से कहा कि ठीक है, अब तुम ये, तुम्हारा अब क्या कहना है, तुम इसके टूटे हुए बर्तनों को कैसे लौटाओगे, तुमको मतलब लौटाना चाहिए, यू मस्ट रिटर्न द सेम पॉट्स टू वेलन, जो बर्तन तुमने तोड़े हैं वो मानिक वेलन को तुमको लौटाना ही चाहिए, ठीक। अब मानिकचंद को अपनी गलती का एहसास होता है, मानिकचंद रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, ओके। द जज सेड, इफ यू रिटर्न द सेम पॉट्स टू वेलन, ही विल रिटर्न द सेम एलिफेंट टू यू, ठीक। अब जज ने क्या बोला कि अगर तुम सेम के सेम वही पॉट्स अगर वेलन को लौटा दोगे तो वेलन भी तुमको वही एलिफेंट लौटा देगा। This was impossible. Poor Manikchand had to go away without getting anything. He lost his money because of his silly stubbornness. Okay? अब ये तो impossible था, ना टूटे हुए बर्तन वो वापस कर सकता था, और क्या होता जो मानिकचंद को हार मान के बिना कुछ लिए उसको कुछ नहीं मिलता, ना तो पैसा मिलता है ना तो नया हाथी मिलता है, और खाली हाथ घर जाना पड़ता है, ठीक।
और उसका सारा जो मनी है सब लॉस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ हिज सिली स्टबनेस, बस अपने बेवकूफी भरे जिद की वजह से। ओके, स्टबनेस मींस जिद पना, ओके, एकदम जिद पे अड़ जाना, सिली मींस बेवकूफी वाला। सो क्लास द स्टोरी इज फिनिश्ड, नाउ द एक्सरसाइज टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड वेलन नीड एन एलिफेंट। Villain wished to take his son and the bride on an elephant's back round the village in a procession. So he need an elephant. Next, why was villain unable to return the elephant to Manik Chand? Villain was unable to return the elephant to Manik Chand because the elephant suddenly fell down and died. Next question. Why was Manik Chand not ready to take money from Velan? Manik Chand wanted only his own elephant and not any other. Okay. Fourth, why did the judge ask Velan to keep the pots near the door? The judge asked Velan to keep the pots near the door to give a lesson to Manik Chand. Manik Chand ko sabak sikhane ke liye. What do you learn from this story? We learn from story tit for tat. Jaise ko taisa. Okay, so question answer is completed. Next is, find and write words from the passage that mean the same as. Okay? Plus, just like word meaning. These are some meanings and you have to write the word from the story. Just like hurried or quick. Rust. Okay? Hard to convince. Not agree. One who makes clay pots, potter. Takes something to return later, borrow. Okay? Next is, make a sentence each with the words you wrote. Okay, class, you have to make some sentence with using these words. Just like number one, rust. Velan rushed to Manik Chand to report it. Second is, not agree. Manik Chand was not agree for money. Third is potter, Velan was a potter. Fourth is borrow, Velan borrow an elephant from Manik Chand. So class, your chapter 9, the elephant and the pots, totally completed. So thank you.